1757 में 28 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक अब्दाली दिल्ली को लूटने आता है। उसको पहले से अपने जासूसों की खबरों से ये पता था कि यहाँ पर कौन अमीर रहता है, किस किसके पास पैसा होगा, किस किसके पास नहीं, और फिर भी उसे दिल्ली को लूटने के बाद में भी संतोष प्राप्ति नहीं हो रही थी। और उसी टाइम हमारे भारत के लोगों में एक धारणा भी थी कि अगर कोई उस टाइम का सबसे ज्यादा अमीर राजा है तो वो महाराजा सूरजमल थे, जिसकी वजह से अब्दाली ने भी ठान ली थी कि वो अब राजा सूरजमल के खजाने को ही लूटेगा। और इसलिए उसने सूरजमल जी को भी एक लेटर लिख के भेजा जिसमें उसने साफ साफ ये कहा था कि अपना किंगडम मेरे हवाले कर दो। लेकिन जाट सम्राट सूरजमल जी ने भी इसका बहुत ही ज्यादा एक मुंह तोड़ जवाब अब्दाली को वापस में दिया। सूरजमल जी ने अपने लेटर में लिखा कि अब्दाली तूने अभी तक इमादुल मुल्क जैसे बच्चों को हराया, अभी तक तेरा पाला असली मर्दों से पढ़ा ही नहीं, और वैसे भी मैं तो काफी दिनों से इस इंतजार में हूँ कि कब कोई यहाँ पर आए और जिन दीवारों पर, जिन किलों की दीवारों पर मैंने इतना खर्चा कराया उसकी टेस्टिंग हो पाए। लेकिन इसके बाद भी 12 फरवरी को अब्दाली ने उन पर अटैक करने की सोची, पर उसकी सेना की हालत इतनी बुरी हुई कि दीघ राजस्थान से ही वापस उल्टे पैर भागना पड़ा।